कितनों की किस्मत है पद्म से ही सम्मान जाता है, दिल पर हाथ रख के सोचिएगा, बताइए। ये पद्म श्री किसान चाची यही हैं, पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में इनका डंका बजता है। आ जी दोस्तों, इसी के साथ एक क्लैप तो बनता है। संजय सर से भी हम निवेदन करते हैं सभी जगह ले लीजिए प्लीज। मिस्टर सर से आग्रह करते हैं कि आप आइए और अपनी जगह ले लें प्लीज। अब यहाँ बैठ जाइए। ये स्कूल के प्राचार्य हो गए, ये डायरेक्टर कहिए, अब मैं इनका लड़का हो गया। ये अलग बात है कि मेरी लंबाई 6 फीट है। और सबसे पहले मैं हमारी देश की ये संस्कृति रही है, हिंदी की एक लाइन होती है या संस्कृत की मुझे पता नहीं, अतिथि देवो भव, ऐसा कुछ है। अतिथि जो होते हैं, गेस्ट जो होते हैं, किसके समान होते हैं? बिल्कुल, तो उनका सम्मान करने के लिए पूरे हिंदुस्तान जो है जाना जाता है। और होते न मायूस यू शाम सा ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज सा निकलते रहिए, और एक ही पांव पे ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही आगे बढ़ते रहिए। ये जिंदगी है, विचार अभी हम नहीं रखेंगे, विचार रखने के लिए बहुत सारा वक्त आपको मिलेगा। मैम से रिक्वेस्ट भी कर लेंगे कि थोड़ा सा वक्त और भी दे दे। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि अंग वस्त्र भेंट करके मिस्टर सर से आग्रह है कि हमारी पद्म श्री का सम्मानित जो है इनको सम्मानित किया जाए अंग वस्त्र देकर। हमारे लिए गर्व का पल, गर्व का क्षण। ये पल बहुत किस्मत वाले के लिए नसीब होता है। पद्म श्री मैंने इनको पढ़ा है, 2020 में मैं किसान मेला गया था पूसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, तो हमारा भी स्टॉल वहां पे लगा हुआ था, मक्के के छिलके वाला प्रोडक्ट मैं रिसर्च करता हूँ। पहली बार मैंने आपको देखा, जिस दिन मैं वहां से जब फ्री हुआ तो देखा कि एक जगह बहुत भीड़ लगी हुई है, बहुत भीड़ लगी हुई है, क्योंकि भाई पूरा मेला सन्नाटा है, भीड़ कहाँ लगी हुई है,
हम करीब गए तो हमने देखा कि मैंने मैम को देखा कि ये व्यस्त थी, अचार बेच रही थी। तो मैंने सोचा कि चलिए कुछ हम भी ले लेते हैं अचार। पद्मश्री की आंतों का अचार बहुत बड़ी बात होगी, यकीन मानिए हम 45 मिनट से एक घंटा हम रुके, हमको अचार नहीं मिल पाया क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी। इनको प्यार रसने बहुत मिला, लोग क्या कहेंगे, अरे ये तो अचार बेचती हैं, ये तो किसान चाची हैं। लेकिन उससे पहले जो शब्द लगा हुआ है पद्मश्री, वो लगवाने के लिए ना बहुत पापड़ बेलना पड़ता है। मैंने देखा है बहुत सारे लोग IAS अफसर बन जाते हैं, बहुत बड़े बड़े उद्योगपति हैं, अरबों खरबों के मालिक हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, कितनों की किस्मत में पद्मश्री सम्मान जाता है। दिल पर हाथ रख के सोचिएगा, बताइएगा। मुजफ्फरपुर का सौभाग्य है कि पद्मश्री किसान चाची ने दिलाया है, हम गर्व करने वाली बात है। ये मैम स्कूल का जो है बुक है, मैं चाहूंगा कि ये बुक जो है देकर किसान चाची को है सम्मानित किया जाए। मिस्टर सर सब ये तो कहा जाता है कि पुस्तक से बड़ा गिफ्ट शायद कुछ भी नहीं। अब जो है एक केक कटवाने की हमारी प्लानिंग है, ये मैम मक्के के छिलके वाला पेटेंट है और ये बैनर रहा, प्लीज सर थोड़ा सा पीछे। और ये केक आपको काटना है क्योंकि आपका अधिकार है, क्योंकि सारे बच्चे केक खा चुके हैं, आप बच गई थी। तो ये रहा आपके बीच में चाकू और केक को काट कर इसका जो है क्लोज करके लीजिएगा। आप देखिए ये लिखा हुआ है मक्के का छिलके का पेटेंट 2024, मतलब मक्के के छिलके का ही पेटेंट जो है भारत के नाम आज के हो गया है। लीजिए मैम, ठीक है, कंप्लीट कर लीजिए सर। इसको जगह पकड़ाइए। अब इस कार्यक्रम को धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ाएंगे और विचार हम लोग लेने के बाद ही सम्मान समारोह या सम्मानित किया जाए। क्या मैम, क्या कहती हैं, विचार का आदान प्रदान हो जाए। तो सबसे पहले सिस्टर सर विचार रखेंगे, इसको लेके करके टीचर्स विचार रखेंगे। आदरणीय आगंतुकों को अविशेष रूप से पद्म श्री से सम्मानित किसान चाची के नाम से फेमस हमारे इस स्कूल के प्रांगण में अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आए स्कूल की ओर से, शिक्षकगण की ओर से, सारे बच्चों की ओर से हम उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और दिल से गहराई से शुक्रिया अदा करते हैं। यह जो नाथ बाबू का रिसर्च है उसके लिए उद्घाटन समारोह पेटेंट जो मिला, वैसे शुभ अवसर पर भी इन्होंने आकर उसमें अपना योगदान किया, इसके लिए भी हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। यह सब दिमाग और इंटेलिजेंसी की उपज है जो रिसर्च हो रहा है। आम लोगों की निगाह में पत्ता छिलका का कोई महत्व नहीं है, लेकिन कोई अपने दिमाग के अच्छाइयों में से कुछ निकाल करके उसको किसी लायक बना देता है, यही रिसर्च है। मैं उनके रिसर्च काज के उपलब्धि पर
उनको भी बहुत बधाई देता हूँ और मैं भविष्य में अच्छा करने की दिल से कामना करता हूँ कि वो भविष्य में अच्छा करें, उनके उज्जवल भविष्य की नाथ बाबू का कामना करता हूँ कि विश्व गुड लक इन फ्यूचर, मैं उनके ब्राइट फ्यूचर की कामना करता हूँ। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। परम आदरणीय पद्म सम्मान से सम्मानित किसान चाची, वो इस छोटे से स्कूल में आए इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी उनका आभारी हैं कि उन्होंने इस छोटे से कार्यक्रम में, छोटे से विद्यालय में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। साथ ही इस विद्यालय के प्राचार्य महोदय, शिक्षकगण, शिक्षिकाएं एवं प्यारे छात्र एवं छात्राओं, मैं उन सभी छात्र छात्राओं को धन्यवाद देता हूं। उनके जीवन की शुभकामनाओं का आकांक्षा हूं जिन्होंने इस बार मैट्रिक की परीक्षा में प्रथम स्थान को प्राप्त किया ही, उच्चतम 447 अंक तक लाने का काम किया। मैं उन बच्चे बच्चियों को बहुत हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं उनकी उज्जवल भविष्य की कामना इसलिए करता हूं कि उन्होंने अपने जीवन के पहले पैदान पर उन्होंने अच्छा कर करके अपने माता पिता, अपने गांव और साथ ही इस छोटे से स्कूल का नाम सम्मानित किया है, स्कूल का नाम आगे बढ़ाने का काम किया है, इसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे बच्चों, दुनिया में जो नए प्रोडक्ट आ रहे हैं उनको सराहना तो अच्छी बात है, लेकिन वो पदार्थ जो दुनिया के लिए वेस्ट है, जो दुनिया के लिए बिल्कुल घर पतवार जैसा है, जिसका उपयोग हम जलावन के रूप में करते हैं और जला करके भी प्रदूषण फैलाते हैं, वैसे पदार्थ को अगर कामयाब बनाने का काम किया है मोहम्मद उजर अहमद ने, नाज उजर अहमद ने, इसके लिए मैं उन्हें भी धन्यवाद देना चाहता हूं। जीवन में वेस्ट से वेस्ट पदार्थ को कामयाब पदार्थ बनाने का काम करना, यही सही दिशा होनी चाहिए। उसे फायदा यह है कि हम पॉल्यूशन को कम करते हैं और दुनिया को बेहतर बनाते हैं और ये दुनिया को संदेश देते हैं कि दुनिया में बेकार चीज कुछ है ही नहीं। आपने रिसाइक्लिंग का नाम सुना होगा, जिसका कार्यक्रम पिछले साल हुआ था, टाटा की कंपनी ने कराई थी और बताया था कि वेस्ट पदार्थ को आप कैसे रिसाइक्लिंग कर करके और उसे फिर उपयोग में लाने वाला पदार्थ बना सकते हैं और उसका पुनः उपयोग कर सकते हैं। उस कार्यक्रम में भी आप लोग सम्मिलित हुए, आज इस कार्यक्रम में भी सम्मिलित हुए, आज एक और कार्यक्रम है, लड़के और लड़कियों का क्रिकेट मैच। साधारण तो देखा गया है कि पहले केवल लड़के ही क्रिकेट खेला करते थे, लड़कों से परिवार जाना जाता था, लेकिन यह एक मिथ्या थी। अब लड़कियां परिवार का हौसला बढ़ाने का काम करती है और दुनिया का नाम रोशन करती है, जिसका उदाहरण हमारे समक्ष पद्म सम्मान से सम्मानित हमारे किसान चाची उपलब्ध हैं यहाँ, उनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। सर ने एक बात कही थी नेता, हमने कहा कि नेता इनकी बराबरी नहीं कर सकते और अफसर भी इनकी
की बराबरी नहीं कर सकता। सिट डाउन। क्योंकि कोई भी नेता 5 सालों के लिए है, 5 सालों के बाद अगर वो दुनिया के नजरों में बेहतर इंसान नहीं है तो 5 साल के बाद उसकी कार्य समाप्त की जाती है, अवसर का रिटायरमेंट होता है। लेकिन हमारे सामने जो पद्म सम्मान से सम्मानित किसान चाची हैं, इनको कोई समाप्त नहीं कर सकता। ये शरीर से भले ही मर जाएंगे, लेकिन जब तक ये दुनिया रहेगी, जब तक ये भारत रहेगा, जब तक भारत की इतिहास रहेगी, इनका नाम अमर रहेगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। इंसान मर जाता है, लेकिन कर्म जो है आपका, वर्क जो है, वो अमर है। सर ने कहा कि हम लोग सिर्फ दो ही तीन चीज जानते हैं, एक इंजीनियरिंग जानते हैं, दूसरा मेडिकल जानते हैं, तीसरा चौथा कुछ नहीं जानते। इन्होंने एक नया फील्ड ही बना दिया, किसान। हम लोग जनरली जानते हैं कि कुदाल चलाने का काम लड़का करेगा, जेंट्स करेगा, लड़की कहीं कुदाल चलाएगी। मैंने किसान चाची को जो मैंने पढ़ा, पिछले दिनों द इंडियन स्टोरी से एक लड़की आई थी इंटरव्यू लेने के लिए, अंजलि नाम की, किसान चाची के पास पहले गई। वो जब मेरे पास आई तो बताया कि किसान चाची के पास गए थे। फिर किसान चाची का मैंने नंबर लिया, फिर मैंने बात किया। तो मैंने ये महसूस किया कि इनको जब पढ़ा तो पहले ये साइकिल चलाती थी, क्या सही कह रहे हैं? साइकिल चला चला करके आज के डेट में जो है भारतवर्ष में अपनी पहचान बनाने का काम किया है इन्होंने। मैंने समय इनका मांगा था 1 तारीख को, 1 तारीख को ही व्यस्तता थी, तो हमारे लिए 2 तारीख को इन्होंने समय निकाला। हमने कही मतलब हमारे लिए नहीं कही कि आपको, आपके लिए, इस एरिया के बच्चों के लिए, लोगों के लिए मोटिवेशन का काम है ये। तो चलिए मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हुआ ले चलता हूँ रविरंजन सर के पास। इसी के साथ हमारे बीच में मुखिया प्रतिनिधि राजीव जी भी आ चुके हैं, कि बड़ा जोरदार तालियां इनके लगनी चाहिए, इनको हम लोग फाइन भी करेंगे, देर करके आए इसके लिए। आदरणीय शिक्षकगण और हमारे बीच पहुंचे अतिथिगण, किसान चाची, आप सभी को हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और आप इस स्कूल के प्रांगण में आए, इसके लिए भी कहता है कि आदमी महान एक दिन में नहीं बनता है, इसके लिए बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है। आज ये हमारे बीच आए हैं, इनको ये सम्मान से विभूषित है, तो इसके लिए इनको बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ा, बहुत आगे बढ़ने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और मेहनत करने के बाद ही आदमी का नाम ऊंचा होता है, आदमी का नाम हर जगह लिया जाता है। आज हमारे स्कूल में स्कूल के बहुत से बच्चे जो मेहनत करके परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं, उनके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम चाहते हैं कि और भी बच्चे इसी तरह मेहनत करके हमारे स्कूल का नाम रोशन करें, और किसान चाची की तरह हमारे स्कूल के बच्चे भी अपना नाम रोशन करें और भारत में इनका नाम आदर के साथ किसान चाची की तरह लिया जाए। जय हिंद, जय भारत। तो और आगे बढ़ाते हुए इस स्कूल के टीचर संजय सर से मैं आग्रह करता हूं कि 2-4 शब्द अपनी वाणी से यहां पर रखिए, और इनकी बेटी जो कि बहुत ही अच्छा मार्क्स लाई है, कशिश कुमारी उर्फ अंजलि, सुधांजलि कुमारी, एक बार जोरदार तालियों के साथ सर का स्वागत कीजिए। जितार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे प्यारे बच्चे, और आज मंच पर विराजमान पद से सम्मानित किसान चाची जी, मैं एक बार फिर से नमस्कार करता हूँ। मिश्र सर, रविरंजन सर, राजन सर, तिवारी सर, नाजी उदयराम, मुखिया प्रतिनिधि
राजीव बाबू और इस विद्यालय के छोटे बच्चे, तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दो चार शब्द जो है कहना है कहने के लिए, दो चार शब्द कहने में तो जो है दो चार शब्द के बदले में बहुत शब्द बोल दिए हैं, लेकिन मैं दो मिनट का समय ही लेना चाहता हूँ उदय बाबू से। कहने के लिए तो बहुत कुछ कहना बाकी है, लेकिन अब करीब 13-14 वर्षों तक मैंने इस विद्यालय में पढ़ाने का काम किया, जो कुछ बच्चे जानते भी होंगे कुछ न भी जानते होंगे। और मैं आप लोग को ये कहना चाहता हूँ कि पढ़ाई के प्रति जो इस विद्यालय का नियम कानून है, या हाई विद्यालय में भी नहीं है। आज 91 में इस विद्यालय की स्थापना हुई और 94-95 में इस विद्यालय में आया, और उस समय से मैं देख रहा हूँ कि प्रशासनिक तौर तरीका, और जिनका नाम मिस्टर सर है, वाकई में मिस्टर सर है, कोई भी नाम के पहले अगर मिस्टर लगा हुआ है तो वह बहुत ही गर्व करने की बात है। सर अपना सर अगर स्कूल नहीं खोले हुए रहते तो आज इस विद्यालय का लगभग बहुत विद्यार्थी सरकारी नौकरी कर रहे हैं, वो नहीं करते हैं। आज इस विद्यालय में अगर ये अपने त्याग की भावना नहीं अगर रखे हुए रहते हैं, बहुत ऐसे गरीब बच्चे हैं जो गार्जियन मजबूर हैं, उनके भी बच्चे इस विद्यालय में पढ़ते हैं, पैसा दे अथवा न दे सर पैसे के पीछे नहीं भागते हैं कि मेरा बच्चा जो है आगे बढ़े, आगे बढ़ कर कुछ नाम कमाए। आज गर्व हम करते हैं और गर्व से गर्वान्वित हैं कि ऐसे हमारे समाज में ऐसे सर हैं जो सारा चीज को देखते हुए और आगे बढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, ये